को सब कहते हो, अरे किसान गए वहां पे, किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे, वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज्यादा ट्रैक्टर चला रहे थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। वे लोग गए हैं वहां पे, उनको रास्ता प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया, वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहां से फिर घूम कर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहां पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया उनको, वजीराबाद वाला, उन्हें निकाले सब लोग। देखो जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था, मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही, ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधु है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पाद है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा, जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। हाँ बिल्कुल चिन्हित करा, यहाँ पे वे लोग भी हैं कि जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेटिंग तोड़े, उन लोगों को आज ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ वीडियो बना रहे हैं, हाँ बताओ बताओ। हाँ हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, मैं वो कर लग रहा है, वो भड़का लग रहे, मेरे को आतंकवादी हूँ भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे की रणनीति धरना बादस्तूर जारी रहेगा। हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी हो और MSP पे कानून बने और सरकार बात करे। चलिए इसी खबर जानकारी के साथ अवैध उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अवैध कल एक भारी बवाल